रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे। सब कुछ ना कुछ पाने को बाकी है, तेरा मिलना ही सब कुछ ना कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। मेरी आदत हो दोबारा प्यार ना होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे, चाहेंगे हम उतना तुमको जितना कहोगे। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए जीने के लिए तू काफी है। जब से तुम हमारी जिंदगी में आई हो तब से हमारी जिंदगी खुशियों से भर चुकी है। बता नहीं सकते कि कितने खुश नसीब हैं जो तुम हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। तुमने हमें जीने का मकसद दिया है, खुशियां दी हैं, हर सुख दिए। थैंक यू। बाय। कौन का बाद में हड्डी आ गए हैं। तुम एक काम करो, तुम यहां ऊपर रुको, हम आ गए, ठीक है? और इंतजार करो उस आखिरी शब्द का। आप कौन है भाई? सर डिलीवरी बॉय। यार तुम्हारी टाइमिंग बहुत ही गलत है, 10 मिनट लेट नहीं आ सकते थे क्या? सर पर मैं तो जल्दी आया हूँ। थैंक यू सो मच जल्दी आने के लिए, कीप द चेंज। थैंक्स।
हनी अरे सृष्टि इतनी रात में किसका फोन है? वो धानी का फोन है। उठाओ। हाँ धानी बोलो। तबीयत कैसी है अब आपकी? अरे धानी बेटा बेटा ध्रुव कैसा है? उसकी तबीयत तो ठीक है ना? माँ आप धी के कमरे में क्या कर रही है? हाँ धानी बेटा वो क्या है ना, तुम्हारे पापा ने मुझे कहा कि आज रात मैं सृष्टि के साथ सो जाऊँ, उसका ध्यान रखो, दरअसल उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसीलिए। सही किया पापा ने, आप अच्छे से ध्यान रखिए उनका। हाँ बेटा कल तक तुम दोनों आ जाओगे ना, वो क्या है ना कल हमारे घर में बहुत बड़ी पूजा रखी है हमने। जी माँ ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे टाइम पर आने की। ठीक है बेटा। हाँ धानी बोलो। बोलना क्या है दी? बस इतना ही बताना है कि आपके खेल के बारे में पता चल चुका है हमें। अब ध्रुव जी पर काला जादू कर रही है उन्हें अपना बनाने के लिए। एक बात कान खोलकर सुन लीजिएगा, इस खेल में भी मुंह के बल गिरेंगी आप, कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी आप। जैसे आज रात हम और ध्रुव जी एक होने जा रहे हैं। और कल जब हम वापस आएंगे तो आपका सारा सच सबके सामने लेकर आएंगे। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी आप, कुछ नहीं कर पाएंगी। थाना आ गया है तो कहां थे हम? आए तुम और ध्रुव जी कभी एक नहीं होंगे, हम तुम दोनों को कभी मिलने नहीं देंगे। आई लव यू सो मच दानी, आई लव यू सो सो मच। रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में, रंग जाऊं तेरे रंग में मैं, रंग जाऊं तेरे रंग में। आई लव यू टू जी, बहुत प्यार करते हैं आपसे। और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दीदी आज हमें एक होने नहीं देंगी, आपको रोकने के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगी वो। आओ धानी, सरप्राइज। आई होप खाना अच्छा लगे, और जिस काम के लिए मुंबई आए थे वो तो पूरा हो गया। तो अब एक काम करता है, कल सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर मुंबई के दर्शन करते हैं, फिर शाम की फ्लाइट लेकर लखनऊ वापस घर। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो मैम? अभी कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सच में आपको कुछ भी याद नहीं है आज जो कुछ भी हुआ था? बिल्कुल ठीक है नानी, और अचानक से क्या हो गया तुम्हें, ये सब सवाल कर रही हो उनसे? कुछ नहीं। क्या कर रही हो नानी, थोड़ा ध्यान रखो अपना। ऐसे ही है, क्या करें, अभी आता है। हाँ
ध्यान से। बुआ जी ने उस सामान पर गंगाजल डाल दिया था, पता नहीं अब उसका जादू काम करेगा भी या नहीं। दीदी पापा की कड़ी निगरानी में है और यहां से बहुत दूर जाकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी वो। ध्रुव जी आप वॉशरूम में है क्या? ध्रुव जी कहीं बाहर तो नहीं चले गए? ध्रुव जी कहीं बाहर तो नहीं चले गए? ध्रुव जी, ध्रुव जी फार्म हाउस में ध्रुव जी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए। हम हर जगह ढूंढ रहे, कहीं नहीं मिल रहे हमें। चला गया? कहाँ चला गया ये पता पापा? हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें। आप प्लीज कुछ कीजिए ना, हमें बहुत घबराहट हो रही है। पता नहीं हम ना खाना खा रहे थे साथ में बैठकर और अचानक हमारे ऊपर खाना गिर गया, तो हम वॉशरूम चले गए, वापस आए तो थे नहीं। अजीब बात। पापा दीदी क्या कर रही है? कहाँ है वो? बचवा सृष्टि तो अपने कमरे में ही है, हम तभी से यहीं बैठे हैं, हमारी नजरें उसी कमरे की तरफ ताक लगाए बैठे, वो तो निकली नहीं और हम यहाँ से हटे नहीं। आप जरा जाकर चेक करिए ना, क्या कर रही है वो। ठीक है बचवा, अभी जाकर देखते हैं। तो अपने कमरे में सो रही है। अचानक से कहां एकदम से विलोप हो गया है? अभी तक तो सब ठीक था। मतलब हम जो चाह रहे थे वो हो गया, और अब कल जो होगा वो धानी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। धानी बच्चा आप मत टेंशन आइए, अब देखिए आ जाएगा थोड़ी देर में, नहीं तो एक काम करें, वहां के जो मैनेजर है, मैनेजर से कहके एक दो आदमी दे दें आपको मदद करने के लिए। ठीक है हम बात करता हूं। ध्रुव जी, ध्रुव जी, ध्रुव जी इस लाइट को भी सुनसान जगह खराब होना था। ध्रुव जी, ध्रुव जी,
रूंजी आके खोली, आके खोली रूंजी। खेल खेलती रहेंगी आप, कब तक हमें चैन से जीने नहीं देंगी? और हमारी कितनी तकलीफों के बाद आपको चैन मिलने की आपको तसल्ली होगी थी? दानी, छोड़ो, हमें दर्द हो रहा है। ये दर्द और सहानुभूति का झूठा नाटक कर करके जो धूल हो गया ना अपने सबके आंखों में, उसी के वजह से किसी को आपकी सच्चाई नजर नहीं आती। पर अब और नहीं। महापुआ जी, प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए। दीदी अब तक जो कुछ भी करती आ रही है ना, सब साफ साफ नजर आ रहा है हमें। ये जो कुछ भी हो रहा था ना अभी, ध्रुव जी पर गोली चलना, इनका सामने आकर गोली खाना, हमें वो कीड़े नजर आना, ध्रुव जी का अजीब बर्ताव करना, सब कुछ दीदी की वजह से हो रहा है। इनकी सोची समझी चाल है, षड्यंत्र है, और वो आप सबको मोहरा बना रही है। आप लोगों का इस्तेमाल कर रही है वो। आप लोग प्लीज अपनी आंखें खोलिए और इन्हें घर से जाने के लिए कहिए प्लीज। तारीफ बस बहुत हो गया, हर चीज का इल्जाम तुम कब तक लगाओगे हम पर? अरे जब ध्रुव जी के साथ हादसा हुआ था ना, हम वहां पे थे भी नहीं, हम 1500 किलोमीटर दूर यहाँ इस घर में थे, फिर हम कुछ कैसे कर सकते हैं बताओ? हम मानते हैं ध्रुव जी को पाने के लिए हमने बहुत गलतियां की है, लेकिन हम उनसे सच्चा प्यार करते थे। उनकी जान लेने के बारे में हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। इस नौटंकी और झूठे बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है हमें। भरोसा नहीं है ना, फिर ठीक है, आज हम अपनी सच्चाई साबित करके रहेंगे। सृष्टि, सृष्टि ये क्या कर रही हो तुम? रखो नीचे इसे, पागल हो गई हो क्या? सृष्टि चाकू नीचे रखो। अरे मजाक नहीं है ये, कहा तो लग जाए धक से। हाँ क्या मजाक चल रहा है, छोड़ो चाकू। हम भी मजाक नहीं कर रहे बुआ जी, अगर हम गलत है ना तो भगवान हमारी जान ले लेंगे, लेकिन अगर हमें जरा सी भी सच्चाई है ना तो भोलेनाथ हमारा बाल भी बांका नहीं करेंगे। इतनी नफरत और इल्जामों के साथ अब हम नहीं जी सकते। धानी रोको अपनी बहन को, तो सबके लिए मुसीबत हो जाएगी। कुछ नहीं करेंगी, बस नाटक कर रही है। काशी जी,
डॉक्टर, रुचि कैसे? देखिए उनकी चोट ज्यादा गहरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा है। चार्टर प्लेन से हमने उन्हें मुंबई से यहाँ बुला तो लिया है, लेकिन उनकी हालत में कुछ ज्यादा सुधार दिखाई नहीं दे रहा है और मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि इसकी वजह क्या है। वजह तो ये है, इन्हीं की वजह से तो हो रहा है सब कुछ। इन्होंने हमारे पति पर काला जादू करके उनकी ये हालत की है, उसी वजह से बेहोश है। हम कह रहे हैं ना डॉक्टर, सब कुछ इन्हीं का किया धरा है। दानी बस कर, इतना घटिया इल्जाम, ये सुनने से बेहतर हम अपनी जान दे दें। छोड़िए छोड़िए, ये क्या कर रही हैं आप? ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें? दिन बाद शादी ना हमारी।